हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह नाव यू अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। बिल्कुल सर, आपने जो इसमें टाइटल देखे हैं कि अन अकेडमी के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। रीजन ये है कि अन अकेडमी पे इसमें फ्रॉड हो रहा है क्या, सच में हो रहा है, तो पूरा डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, क्या आपको अन अकेडमी में पढ़ाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, देखिए अगर आप अन अकेडमी पढ़ाने जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं कि आपका फ्रेंड्स आपके जोन में है, कोई सर्कल में आपका कोई फ्रेंड है, वो अर्निंग अच्छा कर रहा है अन अकेडमी पे, तो आप भी जाना चाहते हैं एज अ टीचर। अगर ऐसा देख कर आप जा रहे हैं तो ये भी तो देख लीजिए आपका जो फ्रेंड है उसका कोई यूट्यूब पे चैनल है, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, या फिर वो इस फील्ड में 5-6 साल हो गया उसको पढ़ाते हुए। ये सब देख कर तब आप अन अकेडमी में जाइए। अन अकेडमी जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखना होगा। अगर आप कोई ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आपको सोशल साइट पर कोई फी आपका नाम नहीं है, फिर आप अनकेडमी जा रहे हैं फेमस होने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, नहीं होगा अर्निंग, और वही चीज होगा जो बाकी टीचर्स के साथ हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, किसी को देखकर आप अनकेडमी मत जाइए। अब बात है कि टीचर्स को अनकेडमी में जाना चाहिए ये पढ़ाने के लिए, जिसकी अच्छी पहचान हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वही जाएगा तो वही सक्सेसफुल पाएगा। अगर छोटे टीचर्स जाते हैं, छोटे टीचर्स मतलब जिसको कम एक्सपीरियंस है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और उनको कोई जानता भी नहीं है, अब वो अनकेडमी में जाना चाहते हैं क्योंकि अनकेडमी अच्छा पैसा दे रहा है। नहीं देगा आपको, बिल्कुल नहीं देने वाला है ऐसा अनकेडमी, क्योंकि अनकेडमी आपको पैसा तभी देगा जब आप बच्चे लेकर आएंगे बहुत सारे, उनके जो सेल है, मतलब सेल इन द सेंस में सब सब्सक्रिप्शन आप दिलवाएंगे और उससे अनकेडमी को अर्निंग होगा। अगर अनकेडमी को आपसे अर्निंग होगा तो अनकेडमी आपको पैसा पे करेगा। अगर अनकेडमी को पैसा नहीं मिलता आपसे तो वो आपको पैसा क्यों देगा? ठीक है, तो ये तो अनकेडमी कर रहा है एंड फ्रॉड है, तो इस बारे में बात ये करते हैं कि जैसे 3 वीडियो मैंने देखा है और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा है, फिर एनालाइज कर रहा हूँ कि साली मैम एक है, एक दीपक सर है, दीपक सर का पहली वीडियो आई थी, साली मैम का सेकंड आया था, एंड अब सचिन सर फिजिक्स वाले हैं तो उनका वीडियो आया। ये तीनों वीडियोस को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ना मर्ज करके देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना, तीनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और तीनों अलग अलग कंडीशन में थे। इसलिए साली मैम को समझ में आता है कि साली मैम के साथ क्या हुआ कि उन्होंने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, वो मैसेज कर रहे हैं लेकिन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, दीपक सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उनका भी पैसा पे नहीं कर रहा, लेकिन सचिन सर का अलग था, लेकिन सचिन सर फ्रॉड नहीं बोल सकते, उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ भी हुआ है। तो इन दोनों टीचर्स का क्या हुआ, रिस्पांस वो नहीं दे रहे थे, ऐसा शायद देना ना चाहते हों वो, ठीक है, तो ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। एक्चुअली में फ्रॉड इन द सेंस ये हुआ कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो अनकेडमी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो काफी गंदी है, बहुत बुरे तरीके से वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। वो ऐसे यूट्यूबर्स को या ऐसे टीचर्स को हायर कर रहे हैं जिनके ज्यादा मतलब फैन फॉलोइंग है नहीं उनकी, मतलब यूट्यूब पर थोड़ा बहुत चैनल है, ग्रो हुआ है, तो उनको वो हायर कर लेते हैं क्योंकि उनको फिर वो तब्दील करते हैं एज अ सब्सक्रिप्शन में तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, हमारे अनकेडमी को प्रचार कीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वो बस वो करके उसके बाद वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। तो ऐसे अनकेडमी को नहीं करना चाहिए। अनकेडमी एक रिप्यूटेटेड, इस काफी अच्छा नाम उसने गेन कर लिया है, अब वो आज से फर्स्ट पर नहीं आना चाहिए अनकेडमी को। मेरा तो सजेशन यही है कि अनकेडमी जो इसमें कर रहा है, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जो भी है कि भाई यूट्यूब पे जाओ और बहुत सारे चैनल्स हैं उनको खरीद लो, उनको बाय कर लो, या बाय ना कर सको तो उनको भाई ऑफर दीजिए, हम आपको 50,000 देंगे, हम आपको 1,00,000 रुपये दीजिए, आइए हमारे चैनल पढ़ाइए, और बस यही चीज़ हो रहा है भाई। तो ये गलत हो रहा है, अनकेडमी अगर ये कर रहा है जो कि कर भी रहा है तो ठीक है, तो फिर ये अनकेडमी गलत कर रहा है। ऐसी अनकेडमी बहुत बढ़िया है, अनकेडमी में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फॉल है, कहीं कहीं दिक्कत है, तो उसको अनकेडमी को सुधारना होगा। अदरवाइज जो अनकेडमी इतना ऊपर गया है बहुत जल्दी डाउन आने वाला है। तो मेरा तो यही है कि भाई अनकेडमी ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें कि आपको एनालाइज करना है अनकेडमी ज्वाइन करने से पहले, आपको एनालाइज करना है पैसे के पर्पज से देख कर, आपको नहीं भागना अनकेडमी की तरफ से। तो मेरा एक ये सजेशन है, कोई भी अगर स्टूडेंट या कोई भी टीचर्स वहाँ पे एजुकेटर बनने के लिए जा रहा है तो ये सब चीज़ें देख कर आप जाइए, और ऐसा नहीं है कि फ्रॉड कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं तो फ्रॉड करते सभी लोग भाग लेते हैं ना,
दो चार लोग, अब क्या हुआ 3 लोग ने वीडियो बनाया तो बाकी लोग भी वीडियो बना रहे हैं। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ है जो अनएकेडमी को मतलब बदनाम करने के चक्कर में, वो अनएकेडमी पढ़ाया भी नहीं है उन्होंने, ठीक है, अनएकेडमी पढ़ाया नहीं, उन्होंने लिख देते हैं अनएकेडमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्योंकि क्यों ऐसे लिख दिया, क्योंकि उनका एक यूट्यूब पे चैनल है, वो ग्रोथ करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, व्यूज लेंगे, अनएकेडमी का नाम लेकर आप अपने चैनल ग्रोथ करना चाहते हैं, ये भी गलत है। किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी आप वीडियो बना रहे हो। हाँ, किसी को लिंक चाहिए तो मैं वो लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, क्योंकि देखो वो ज्वाइन भी नहीं किया, उसके साथ फ्रॉड भी नहीं हुआ, तब भी वो वीडियो बना रहा है, फिर ये तो गलत है। कुछ लोग पॉलिसी पढ़ते नहीं है, पॉलिसी बिना पढ़े वो अनएकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं इस खुशी में कि अरे अरे अनएकेडमी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, खूब पैसे देंगे, हैं? जब उनकी पॉलिसी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो अनएकेडमी बताता है कि भाई आप फुलफिल नहीं किया, पैसे नहीं देंगे, तो फिर वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं अनएकेडमी के ऊपर, ये भी गलत है। ज्वाइन करने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अनएकेडमी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बायजूस, वेदांतु, किसी को भी आप ज्वाइन करो, एडुटेक जो भी कंपनी है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी अच्छे से पढ़िए, समझिए ये आपके लायक है, कंपनी नहीं है, ऐसे को गोल बना के आप मत भागिए किसी भी कंपनी की तरफ। तो ये एक वीडियो था, सोच समझ के आप ज्वाइन कीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स।